वालेकुम, ठीक हो भाई? भाई सोचा हम भी चलते। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बढ़िया। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। बड़े लोग खाली गाड़ी लेके श्रीनगर जा रहे हो तो बड़ी बात है। बढ़िया, बहुत बहुत ही यार, क्या मिलेंगे, मिले आपसे, पहली बार मिला। और बस फोटो खींचेंगे? हाँ चलो, मैं उस पार आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। आप सबका भाई सेठी एक्सप्रेस। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सो करते हैं हम अपना प्यारा सा व्लॉग स्टार्ट। अभी टाइम आ गया सुबह के 7:30। अभी तुम्हारा भाई पहुंच गया बानियाल। अभी अपना सफर हमने स्टार्ट कर दिया, अभी मॉर्निंग का टाइम है। बाहर से देखो कितना प्यारा सीन आपको देखने को मिल रहा है। हमारा जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे आज तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। सच में सुबह के टाइम जो सीन होता है ना, ये सच में देखने लायक होता है। और हम भी चल रहे आराम आराम से, सुनने में जा रहे हैं आगे फिर से जाम लगा है, क्योंकि रात को भी पूरा जाम ही लगा था, अब आगे शायद फिर से जाम लगा है। तो क्या करें, फिलहाल वहां तक हम चलेंगे, फिर देखते हैं क्या कुछ सीन होगा। और भाई सुबह सुबह अपने काम में लग चुका है, अभी सब्जी बनाने की तैयारी चल रही है। इतनी जल्दी मानो 9:45 बज गए, अभी 8:30 बज गए, अभी इसी टाइम सब्जी बनाने की तैयारी होगी। ओके, देख सकते हो कितना लंबा जाम लगा है। हमने भी अपना शहनशाह जाम में खड़ा कर दिया। यहाँ से देखो कितनी लंबी लाइन लग चुकी है, क्योंकि मतलब मुझे लग रहा है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे में अब कुछ किलोमीटर्स बच गए जिनमें सिंगल गाड़ी मतलब सिंगल रोड है, बाकी तो डबल हो गया। मुझे लग रहा है इस साल में बाकी कंप्लीट हो जाएगा, बट जहाँ जहाँ पे सिंगल है उसी जगह पे मतलब जाम लग जाता है, और सीज़न में ज़्यादा रश होता है, गाड़ियों का ज़्यादा दबाव होता है इसलिए। बाकी अंदर अभी भाई सब्जी बना रहा है, खाना वगैरह। मैंने अपने टायर वगैरह चेक किया अच्छे से, बट ये वाला चक्का मुझे लग रहा है ज़्यादा ही गर्म हो रहा है, ब्रेक में कई एडजस्टमेंट कराना है बराबर अच्छे से। बट इस टायर पे मुझे ना यार गड़बड़ लग रहा है, ये देख रहे हो, ये मजा दर बुझे दबा, ये गई ना वाती फाटन वन यार गए नारन, तो इनशाला वापसी पर करो कह ना क्या। इस टायर में मुझे ज़्यादा ही गड़बड़ लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ ये चक्कर निकलना चाहिए, क्योंकि पूरा प्लान है ना। वालेकुम, ठीक हो भाई? बढ़िया। कहाँ तक जाम लगा है? सुनने में जा रहा है जाम तो पूरा ही है। अभी हल्का सा मूवमेंट है, हल्की सी गाड़ियाँ चल पड़े, तो मैंने सोचा हम भी चलते। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बढ़िया। कहाँ से हो? उत्तराखंड। ओके ओके, मुझे लग रहा है बराबर ये जाम हमें रामबन तक देखने को मिल जाएगा। बहुत लंबा जाम लगा है, क्योंकि जो वहां से गाड़ियां अभी जाम में फंसे, इनसे हम पूछते हैं कि जाम कितना है, बोल रहे बराबर रामबन तक। रामबन तो अभी बहुत दूर है, मुझे लग रहा है 2-3 घंटे का जाम लगा है, पता नहीं ऐसा क्यों। थैंक यू ब्रो। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। देखो यार कितना प्यार मिल रहा है भाई।
जाम से निकल के आगे अभी हम चल रहे हैं, बट फिर भी आप ऊपर वाली लाइन देख सकते हो कितनी लंबी है, या आप देख सकते हो कितनी सारी गाड़ियां हैं भाई। चलो जी, ये गाड़ी शायद हमारे साथ ही है, इसको भी कानपुर का माल है, वो जो पीछे आपको नजर आ रही है। ऊपर वाली लाइन देखो कितनी लंबी है। मैं शुक्र करता हूँ कम से कम तीन चार घंटे के बाद हम आजाद हो गए, 4 घंटे के बाद हम जाम से निकल गए। बट ये ना यार बड़ा मुश्किल करते हैं। हेलो सर, क्या हाल है? हाँ जी, क्या बोल रहे हो? बड़े लोग खाली गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं। और नहीं तो केले के सिकड़े लोड हैं, खाली थोड़ी है। अभी अभी इसको पहले वाश कराओ। मेरी वो वाली गाड़ी है, मैंने वाश कराई उसको कल। मुसार जी वाश क्यों नहीं कराते? सेठ सोया हुआ। इसको ट्रैक कर दे। इधर से चढ़ नहीं सकते, देखो ना, तोड़ दिया हैंडल, तोड़ दिया, ला कर दी खड़काओ। उस तरफ से खोलो, खोलो उस तरफ से भी। ओ मालिक, खोलो उधर भी, खोलो। जाम है बहुत ज्यादा। बड़े लोग खाली गाड़ी लेके श्रीनगर जा रहे हो, तो बड़ी बात है। मालिक ही है यार, कहाँ जा रहे हैं? वो डबल नुकसान हुआ, एक तो खाली आ गए, ऊपर से जाम में फंसे, दिन वैसे टूट गया। बाय बाय, गाड़ियां निकल गई, निकलो। ठीक हो? बढ़िया। बहुत यार, क्या मिलेंगे, मिले आपसे पहली बार मिला, और बस फोटो खींचेंगे। हाँ चलो, मैं उस पार आता हूँ। यहाँ पे बारामूला होटल, इशफाक भाई के होटल पे, और ये रहा अपना शहनशाह। और ये गाड़ी हमारे साथ जुड़ गई, अपने डिस्ट्रिक्ट की है, शोपियन डिस्ट्रिक्ट की। इसको भी सेम जगह का माल है, मतलब एक साथ ही अब चले के बराबर कानपुर तक, क्योंकि इस गाड़ी का भी माल कानपुर का है। तो चले, यहाँ पे रुके थे हम खाना खाने के लिए, अब बस चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। आगे कहीं रुकते हैं जहाँ पे ग्रीस वगैरह करते और एयर फिल्टर साफ करते, वहीं पर मैं अपना वीडियो वगैरह एडिट करता हूँ। टाइम ना बहुत मुश्किल से निकालना पड़ता है, आपको मैंने इससे पहले भी बोला। तो चले फिलहाल हम निकलते हैं यहाँ से, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, फिर उधर ही आधा घंटा तक ब्रेक देंगे, जब तक ये काम होगा फिल्टर वगैरह, तब तक हम अपना वीडियो एडिट करते हैं।